और इधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में धर्मांतरण की एक सूचना को लेकर हंगामा छिड़ गया है। सैकड़ों की तादाद में लोग थाने के बाहर जमा हो गए हैं, नारेबाजी करने लगे हैं। दरअसल भाटा गांव इलाके में धर्मांतरण की शिकायत पर पुलिस ने ईसाई संगठन के कुछ लोगों को थाने बुलाया था और इसी दौरान बड़ी संख्या में थाने के बाहर लोग जमा हो गए थे, घेराव कर रहे थे। कुछ लोगों ने थाने के अंदर घुसकर थाना प्रभारी के कमरे में मौजूद पादरी की पिटाई भी की। दरअसल किसी ने शिकायत की थी कि भाटा गांव इलाके में जबरन धर्मांतरण करवाया जा रहा है और इस पर पूछताछ के लिए कुछ लोगों को बुलाया भी गया था, जिसके बाद नौबत यहां तक आ गई। फिलहाल पुलिस पिटाई करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही है। दूसरी तरफ हंगामे के बाद पुरानी बस्ती इलाके के टीआई को लाइन अटैच कर दिया गया है। एसएसपी ने पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं। देखिए, ईसाई पादरी के साथ मारपीट हुई है, थाने के बाहर जो भीड़ जमा थी उसको लोगों ने बुरी तरह से पीटा है। धर्मांतरण की शिकायत पर यहाँ हंगामा बहुत देखने को मिला। इसमें एक पक्ष आवेदन देने के लिए आया था कि जबरन वहाँ पे धर्मांतरण कराया जा रहा है, प्रार्थना कराई जा रही है, तो उसी पक्ष का आवेदन देने आया था। इसी बीच में दूसरा पक्ष भी आया तो दोनों पक्षों में यहाँ पे झुमाझटकी हुई है। उसमें स्थिति को अभी वर्तमान में नियंत्रित कर लिया गया है और उसमें जो आवेदन आए हैं उसके हिसाब से जाँच करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।